भर में आप लेकर आए थे किसी डॉक्टर से मंगवाया क्या? 70-80 किलो की सप्लाई है भाई सर। तो अपना सेल परचेज का काम है या दूध का काम? पशुओं की बात पशुपालकों के साथ। पशुपालन विकास मंच से मैं आप सभी का साथी गुरमीत कवि। पशुपालन विकास मंच देखने वाले सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्ते है। पहुंच चुके हैं दर्शक साथियों बिल्कुल जिला रोहतक के करौर गांव में, भरपूर डेयरी फार्म है। भाई संदीप मलिक के पास पहुंचे, एक बहुत बढ़िया झोटी सेल के लिए अवेलेबल है। बारीकी से जानेंगे पहले ब्याह के बारे में, मदर लाइन के बारे में, फादर लाइन के बारे में, एक एक चीज़ बिल्कुल पूरी वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत बढ़िया एक झोटी सेल के लिए अवेलेबल है, बहुत अच्छी कीमत के साथ है। तो बने रहे वीडियो। संदीप मलिक भाई साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। एक बार सारे भाई ने राम राम कर दो। राम राम छोटे बड़े भाइयों ने, सारे ने, काका तकवा ने, सुंदर राम राम। तो और संदीप भाई परिवार ठीक है? हाँ बढ़िया भाई साहब। बताते हैं कब से कर रहे हो पशुपालन? भैया 3 साल हो लिए। 3 साल से पशुपालन हाँ, कर रहे? पिताजी पहले आए था कराए थे। अच्छा। पापा ने अब कराए। तो अपना सेल परचेज का काम है या दूध का काम है? नहीं भैया दूध का काम, अपना दूध का काम। हाँ जी। कितना दूध सेल कर हो जाता है? कितना दूध फिलहाल अभी? 70-80 किलो की सप्लाई है भाई साहब। 70-80 किलो की सप्लाई है। ये झोटी है? हाँ जी। ये कौन सा ब्यात है? ये दूसरा ब्यात है भाई साहब। अभी डिलीवरी होगी? हाँ जी। दूसरे ब्यात में 1 महीना रह रहा है, 1 महीना 10 दिन रह रहे हैं। 1 महीना 10 दिन डिलीवरी को बाकी है। हाँ जी। तो पहले ब्यात में आप लेके आए थे अगर प्रचार करी थी? नहीं लेके आए थे भाई साहब। कहाँ से लेके आए थे? फुलिया कला। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये? जींद में, फुलिया कला जिला जींद से झोटी आई थी भाई। अभी दूसरे ब्यात में डिलीवरी होगी। हाँ पहले ब्यात में आप इसको ताजी ब्याई लेकर आए थे? प्रेग्नेंट लेकर आए? नहीं ताजी ब्याई ले आए थे भाई। कितने दिन की डिलीवरी हो चुकी जब आप लेकर आए? हम 5 दिन की होली थी। खीस से खाली थी? हाँ जी। कितना दूध दिया अपने पीक टाइम पे? ये शुरू था 8 किलो दूध तो उठी थी जी। अच्छा। 15 किलो 16 किलो दूध निकाला है। 16 किलो दूध निकाला? हाँ जी। क्या काफ था जब इसके नीचे आप लेकर आए? इसके नीचे कटिया थी, कटिया गुजर गई, कटिया एक्सपायर। हाँ एक्सपायर। चुवाई कैसी है? चुवाई सुथरी है, कितनी नरम चुवाई है। एज की बात करा कितने दांत हो चुकी है? ये होगी 6 होली भाई साहब। 6 दांत होली। हाँ जी। एक बार मुंह पाड़ के दिखाइयो। ले जी। बिल्कुल भाई आप लोग देख सकते ये हो। देखो भाई 6 दांत झोटी है। आ जाओ संदीप जी, आ जाओ। ठीक है बिल्कुल आओ सर। तो प्रेग्नेंट आपके पास आके हुई? हाँ जी। कितने दिन के बाद प्रेग्नेंट होगी भाई साहब? 1 महीने 5 हो गई जी। पहली बार में ठहर गई थी? हाँ जी पहली बार में ठहर गई। सीमन रखवाया डायरेक्ट क्रॉसिंग? नहीं सीमन तकवा था। किसका सीमन? कोहिनूर का सीमन है जी। कोहिनूर का? हाँ जी। पहली बार में आप लेकर आए थे किसी डॉक्टर से मंगवाया क्या? नहीं आप लेकर आए थे? खुद लेकर आए थे? हाँ जी। वो डॉक्टर से फिर बाद में रखवा लिया? हाँ जी। कोहिनूर का सीमन रखवा रखा है। 1 महीना 10 दिन डिलीवरी को बाकी है। ये पापा बात करेंगे इसके दूध दे, कितने लंबे टाइम तक दूध दिया इसने? या भैया 2 महीने में नाटी थी। लास्ट टाइम कितना दूध पे छोड़ी थी? या छोड़ी थी 3.5 किलो दूध पे। 3.5 किलो दूध पे बिल्कुल छोड़ी है। कितने दिन पहले? या डिलीवरी का टाइम बता दो। 1 महीना पहले ही, 2 महीने रह रहे ना, 1 महीना पहले ही छोड़ी है। हाँ बिल्कुल 1 महीना पहले ही छोड़ी है। अभी 1 महीना डिलीवरी का रहता है। तो तकरीबन जो भाई साहब बता रहे हैं लगभग लास्ट के 2 मंथ के आसपास छोड़ दी थी। हाँ 2 मंथ के। 3.5 किलो दूध भाई साहब ने इस भैंस को छोड़ दूध निकालना। हाँ जी। सेल करना चाहते हो? हाँ सेल करना। क्या मांग रहे हो? 1,85,000 रुपया भाई साहब। देन लेने का? हाँ देन लेने का। फिक्स प्राइस? हाँ फिक्स प्राइस। वो 1,500 की तो है नहीं भाई साहब। हाँ। और ज्यादा है नहीं। ईवी सा काम तो हो नहीं। 1,85 महंगे तू ने 1,50 में दिया ना भाई साहब। वो काम ना करती है ना करा अग। अच्छा, काम करा ही नहीं आपा ना। कदे करा? ना कदे करा है। और ना अग करना? ना करना अग। 1,85? हाँ 1,85। रेल का भाड़ा? हाँ रेल का। 1,500 की कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात ना। सम्मान कराए जो टी की डिमांड करिए 1,85,000 रुपए। अच्छा ये तो प्राइस हो गया अभी का। हाँ जी। अब मानो डिलीवरी होगी? हाँ डिलीवरी हो रही बाद नए रेट होंगे भाई साहब। डिलीवरी के बाद अलग रेट होंगे। हाँ, फिर अब मान ले कोई अब लेकर जाएगा। हाँ। गारंटी भी दो नीचे की? हाँ गारंटी अपने थन फोड़ लेगा तो थना की गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नीचे की थना की जो होती है पूरी गारंटी देने का काम कर रहे हैं। 1,85,000 रुपए इसकी कीमत मांग रहे हैं। दूसरा ब्यात है, पहले ब्यात में पूरे पीक पर 15 से 16 किलो दूध दिया। 15 से 16 किलो दूध, 15 से 16 किलो दूध दिया। कोई नूर का सीमन रखवा रखा है। बहुत बढ़िया सेकंड लैक्टेशन की झोटी है। तो संदीप भाई हमारी वीडियो समाप्ति की ओर है। एक बार अपना पूरा बायोडाटा बता दो, अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, गाँव में अपना घर कहाँ पे, अपनी डायरी कहाँ पे है? गाँव करौर है, जिला रोहतक है भाई साहब। हाँ मेन रोड पर अपना मकान है।
कारोर में एंट्री करते मैन रोड पे। एक बार अपना मोबाइल नंबर और नाम और बता दो। 9728 45 6678। ये भाई साहब का मोबाइल? नाम संदीप है भाई साहब। नाम संदीप है, संदीप जी मलिक भरपूर डेयरी फार्म से गांव कारोर जिला रोहतक में आज हम पहुंचे हैं। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया एक जोटी आप लोगों को सेल के लिए दिखाई है। जिस भी साथी को बिल्कुल पशु बढ़िया लगे भाई साहब से आप संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सअप इसी नंबर पे आप? इसी नंबर पे भाई साहब का व्हाट्सअप है। फोटो वगैरह अगर आपने मंगवाना हो, बाकी वीडियो में आपको एक एक बारीकी से बारीक चीज भी आपको वीडियो में दिखाएंगे, दिखा भी दी है। तो बने रहे भाई दर्शक साथियों पशुपालन विकास मंच के साथ। संदीप भाई एक बार राम राम करते सारे भाई। सारे भाइयों ने राम राम का कहता हुआ नसंद राम राम। सारे भाइयों को बिल्कुल राम राम। भाई हमारा काम आपको कैसा लग रहा है एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं भाई, और बिल्कुल अगर कोई कमी लगती है तो वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।